झुंझुनू पतरा टोली कुड़ू लोहड़दग्गा झारखंड। सरयाऊ राव के घर में सरना झंडा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। गौर से देखिए कैसे एकदम बिल्कुल सफ़ेद और लाल पट्टी में सरना झंडा दिखाई दे रहा है। आज इस झंडे के नीचे हमारा आदिवासी सरना समाज और सरना परिवार को धर्मेश चालामा आदिशक्ति दिस्तार दे के जगह जगह पर विश्वास दिला रहे हैं और हमारी जो भटकाव है, हमारी जो बिखराव है, उस बिखराव को समाप्त करने के लिए ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें विश्वास कीजिए, पूर्ण विश्वास कीजिए अपने झंडा पर, सरना झंडा पर। इस सरना झंडा का अहमियत इसी से पता चलता है कि ये झंडा जो है ये शांति और क्रांति के प्रतीक है। शांति और क्रांति जीवन में दोनों बहुत जरूरी है। हमारे पहले जो झंडा था वो सफ़ेद झंडा ही था, केवल शांति ही शांति, लेकिन जीवन में शांति के साथ साथ में क्रांति भी चाहिए। क्योंकि जीवन में कहते हैं भोले भाले लोगों के लिए ये जीवन नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे क्रूर स्वभाव के लोग भरे पड़े हैं, क्रूर स्वभाव के लोग हैं। इसीलिए ये दोनों जीवन में बहुत ही जरूरी है, शांति और क्रांति। ये हमारे सरना समाज और सरना परिवार, सरना धर्म इतना सहज है, इतना आसान है, इतना पवित्र है, इतना महान है। बस एक बार हम सभी लोगों को विश्वास करने की ज़रूरत है। विश्वास कीजिए इस महानता का। आज जगह जगह पर दीवालों में, एक जगह पर नहीं, अभी के समय में कम से कम 5 या 6 जगह दिखाई दे रहा है, और ऐसे घरों में दिखाई दे रहा है, ऐसे घरों में प्रकट हुआ जिस घर में पूजा पाठ प्रार्थना नहीं होता था, ऐसे घरों में, या विश्वास नहीं करते, ऐसे घरों में ये प्रकट हो रहा है और उनको अपना भक्त चुन रहे हैं। तो हमारे समाज के जितने भी महान सब है, पुजारीगण है, समाज के नेतृत्व करता है, समाज के भलाई चाहने वाले, तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में नेतृत्व करें और इस झंडा की अहमियत को समझें और झंडा का आदर करें, सम्मान करें, इज्जत करें, इनका दुरुपयोग नहीं करें, कहीं भी इनको गाड़ मत दें। इनकी बहुत बड़ा अहमियत है, इस चीज़ को समझें। मैं और आगे यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो समाज, ये बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो प्रकृति का स्वभाव होने के नाते सहज और सुंदर स्वभाव और भोले भाले होते हैं। तो भोले भाले लोगों को अपनी जगह पर स्थित रहना चाहिए, अपने धर्म में विश्वास करते हुए खड़ा होना चाहिए, अपने सरना में, अपने सरना झंडा के नीचे खड़ा होना चाहिए। लेकिन हम लोग भोले भाले होने के नाते हमें बहुत सारे लोगों ने बिखराव कर दिया, हमारे अंदर बहुत सारे अनाप शनाप गंदगी भर दिया गया, और अपने ही धर्म, अपने ही झंडा, अपने ही समाज के प्रति नफरत जैसे एक माहौल बना दिए गए। तो उन सबको छोड़िए और झंडा में विश्वास कीजिए, पूर्ण विश्वास कीजिए, और विश्वास के साथ में आइए हम सारे मिल के लोग सरना झंडा के नीचे खड़ा होते हैं। तो ये जो फोटो है, इसीलिए ये झंडा लहलहाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, पर वहाँ जाने के बाद एकदम लहलहाते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैं इनका मोबाइल नंबर भी दे दूँगा, आप नज़दीक वाले हैं या जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर जाके दर्शन करें और अपने समाज के लिए एक पुण्य का काम करें, अपने लिए एक पुण्य का काम करें। तो आगे मैं एक भजन, वहीं पर हो रहा है, वहाँ पर जो आए हुए हैं
उनको मैं दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए और उत्साहित और आनंदित होते हुए अच्छी अच्छी बातों को लिखें, कमेंट्स करें और अपने समाज के लोगों को दिखाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो एक घंटी है, बेल है, उसको आप दबाएं ताकि और भी आपके पास वीडियो जो भी मैं डालता हूँ वो आ जाए। जय धर्मेश।